नमस्कार, हम डीएमएस भुवनेश्वर से आए हैं और हम कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ के बारे में अपना रोल प्ले परिवेशन करने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, हमारा रोल प्ले एंजॉय करें। अरे यार संकेत, तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है यार? अरे यार क्या बताऊं तुझे, इन स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। हर वक्त इनको करता रहता हूँ, रिलैक्स करने को टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूँ? अरे यार तू इतना क्यों टेंशन लेता है, दिमाग ठंडा रख, सारे काम फटाफट हो जाएंगे। अरे यार दिमाग ठंडा कैसे रखूं, दिमाग पे बर्फ डाल दूं क्या? तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है यार? सुन, शाहिद कपूर की नई फिल्म आई है फट्टा पोस्टर निकला है, चल देखते चलते, दिमाग पूरा बिंदास हो जाएगा। क्या शाहिद कपूर? अरे यार वो तो मेरा फेवरेट हीरो है, चल चल देखने चलते हैं। चल जल्दी चल। अरे यार कितनी लंबी लाइन है, अब क्या करें यार, क्या करें? अरे 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 यार देख, वो जो भैया खड़े हैं ना, उनके पास कुछ टिकट है, चल पूछते हैं यार जाके। अरे हाँ हाँ चल चल। अरे भैया टिकट है क्या? हाँ है ना, तो जल्दी दीजिए। भाई कौन सा टिकट दूँ, बस टिकट, एयर टिकट या रेलवे टिकट? अरे यार ये पागल है, तुझे समझा? अरे तू कौन होता है मुझे पागल बोलने वाला, छोड़िए ना भैया। अरे भैया थिएटर है, फिल्म का टिकट चाहिए। पहले बोलना चाहिए था ना, ये पकड़ 1 का 200। भैया पूरी दुनिया पड़ी है, हमें क्यों लूटते हो? अरे लेना है तो ले, वरना पतली गली से निकल ले। ठीक है 2 टिकट दीजिए। ये दे पकड़, 400 रुपये का। ठीक है, संकेत ने लूट लिया मुझे। अरे यार टिकट मिला? हाँ मिल गया, जब जल्दी चल, फिल्म मिस हो जाएगी। हाँ हाँ चल चल। अरे रुक रुक रुक, मेरा काम याद आ गया, तू जा, मैं तेरे पीछे। मुझे पता है टिकट कितने की थी। अरे जा किसी दूसरे को दे ना, जा ना। अरे तू जा। अरे यार वो जो टिकट बेच रहे थे वो कौन थे, कौन थे वो? उनका चेहरा कुछ जाना पहचान सा लगता है, वो तो हमारे स्कूल में पढ़ते है ना। अरे हाँ, अरे वो तो शाश्वत भैया है ना, वो तो हमारे स्कूल में पढ़ते थे। अरे कहाँ गए, चलो उनको ढूंढता हूँ, कहाँ गए वो, कहाँ? अरे शाश्वत भैया, अरे शाश्वत भैया सुनो सुनो। अरे हट ना, धंधे का टाइम है। अरे तू तो वही है ना वो टिकट खरीदने आया था? अरे हाँ मैं टिकट ही खरीदने आया था। अरे शाश्वत भैया आप मुझको पहचाना नहीं, मैं आपका जूनियर हूँ, आपके स्कूल में पढ़ता हूँ। अरे धंधे में कोई जूनियर सीनियर नहीं होता, जो जीता वही सिकंदर। अरे शाश्वत भैया आप ऐसे क्यों बोलते हो? हाँ सुनो, मुझको आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ, कि आप जब हमारे स्कूल में पढ़ते थे तो आप हमारे स्कूल्स के उन प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को कैसे हैंडल करते थे? मेरे तो दिमाग ही खराब हो जाता है, कोई तरीका बताओ ना। अरे इसके तो कई सारे तरीके हैं, पर सिरकुट तेरे लिए तो कठिन परिश्रम ही काफी है। अरे यार कठिन परिश्रम करते करते तो मैं थक गया, वो रोहन भी ऐसा बोलता है, कोई दूसरा तरीका होगा बताओ ना मुझे। अरे जो दूसरा तरीका है वो तेरे बस की बात नहीं है, और इसके लिए वो रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। अरे शाश्वत भैया देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, और दूसरी बात, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अच्छा तो ये बात है, ये ले पकड़, आज से किसी की भी मत सुनना। अरे शाश्वत भैया मैंने आपको सोल्यूशन मांगा था, आपने मुझे पॉन्ड्स का पाउडर और ये सीसी क्यों पकड़वा दिया? अरे खाली ढक्कन, ये पॉन्ड्स का पाउडर और सीसी नहीं है, ये ऑल इन वन है, रम यानी रेगुलर यूज मेडिसिन, इसे लेते ही तू अपनी तो क्या खुदा की भी नहीं सुनेगा। अरे क्या ठीक है, कितनी बदबू है, घटक ले घटक ले। अच्छा चलो। अरे अरे हाँ वो पाउडर भी ले ले, उसके गंदा है। अरे यार ये मेरा सर नशा चढ़ गया, अब आगे आगे देखो होता है क्या। ये रंग शरबतों का नशा चढ़ गया सर, गात का पानी। संभाल संभाल संभाल, मुझे खुद संभाल, गोल दे तो मेरे यार बात बन जाओ। लेट गया पानी पानी। ये बात, ये 100, 200, 300, 400, 500 आज बड़ी मालदार पार्टी मिल गई है। अरे यार ये संकेत कहाँ गया, 2 मिनट बोल के 2 घंटा लेट कर दिया, आने दो उसको, देखता हूँ अभी कहाँ गया यार, हमेशा चिढ़ाता रहता है मुझे। अरे अरे इसे क्या हुआ, अरे अरे इसे क्या हुआ, अरे अरे पानी 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 लो, पानी पानी मेरे को। अरे इसे क्या हुआ, अरे इसे क्या हुआ,
हॉस्टल छोड़ देता हूँ। ए तू कौन है? क्या हुआ तुझे? चल हॉस्टल। ए तू यार छोड़ मुझे। कोई नहीं है भाई। तू अरे कौन है तू? लेटा देता हूँ इसे। कोई देख नहीं रहा है इसे। कोई देख नहीं रहा। क्या करूँ अभी? हमेशा पतंग करता रहता है। कल आके देखूंगा इसे। सच में दिमाग खराब। क्या हुआ? अरे बाप रे। अरे यार ओ यार क्या मस्त नींद आई। ओहो अरे यार। अरे सासु बहन ने तो बिल्कुल एक रामबाण दिया उस टेंशन का। पूरा टेंशन चला गया। कल रात तो क्या मजा हुआ। वाओ अरे यार देखता हूँ कोई है तो नहीं। नहीं कोई नहीं है। चलो दूसरी बार खाता हूँ। अरे यार संकेत तू क्या कर रहा है यार? फेंक इसे यार। क्या कर क्या रहे तू? ए कौन है तू यार? मैं तेरा दोस्त हूँ। मेरी बात मान। फेंक इसे। नहीं कर क्या रहे तू? हाँ जिंदगी बर्बाद करेगा अपनी। फेंक इसे। मैं कहता हूँ मैं तेरे को बात नहीं सुनूंगा। तू बस कर अभी ज्यादा। ए तू मुझे अपना दोस्त कहता है? तू मुझे अपना दोस्त कहता है? आज तक जब मैं पढ़ पढ़ के टेंशन में था तब तू मेरी हेल्प किया। तू मेरी हेल्प किया पर इसने मेरी हेल्प की। एक दिन में इसने मेरा सारा टेंशन दूर किया। पर तूने मुझे हेल्प किया? तू मेरा दोस्त नहीं है। आज मुझे मेरा असली दोस्त मिल गया। चला जा। कोई जरूरत नहीं है मुझे तेरी। चला। ठीक है फिर मैं तेरी कोई मदद ही नहीं करूं तो मैं तेरी जिंदगी में क्यों रहूं? अलविदा। जा मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बार खाता। क्या खुशबू है। ओए। और इसी तरह संकेत एक साल तक ड्रग्स लेता रहा। और अभी एक साल बाद। अरे यार अरे क्या हो गया मुझे? आ आ ये मेरा सर। आ ये इतने जोर से क्यों दुख रहा है? तो दर से फटा जा रहा है। क्या करूं? बहुत चक्कर आ रहा है मुझे। अरे यार ये क्या हो गया? अरे अरे ये क्या? अरे यार मैं तो भूल ही गया था ये तो स्कूल का टाइम हो गया। चलो स्कूल जाके देखता हूँ। अरे यार अरे अब तो स्कूल पहुँच गया पर फिर भी ये दर्द कम नहीं हुआ। क्या करूँ? अरे नहीं करनी मुझे क्लास। कोई मुझे इस दर्द से छुटकारा दे दो प्लीज। अरे यार अब मैं इस रोहन को भी बहुत बुरा भला बोल दिया। अब वो तो मेरी बात नहीं सुनेगा। क्या करूं मैं यार? चलो अबर बैठ जाता हूँ। मेरा सर। शायद कोई रो रहा है। कोई तो दर्द से छुटकारा दे दो। अरे संकेत तुम क्या हुआ बेटे? सर मान नमस्ते। वो सर वो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई सर। गलती? कैसी गलती? सर मैं वो गलती से वो सर वो मैं हाँ हाँ बेफिक्र होकर बताओ। सर मैं वो एक साल से वो सर वो मैं हाँ हाँ डरो मत मैं तुम्हारे शिक्षक और दोस्त हूँ। सर मैं वो एक साल से ड्रग्स ले रहा हूँ सर। क्या तुम इस उम्र में ड्रग्स ले रहे हो? तुम जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है? ये तुम्हें और तुम्हारे उज्जवल भविष्य को तेज नहस कर देगा और तुम्हारे जिंदगी को बर्बाद कर देगा। क्या तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ सर जो मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंक दूंगा। तो मेरे बात ध्यान से सुनो। तुम आज ही एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना और अपना इलाज शुरू करना और ये ड्रग्स लेने की आदत छोड़ने के लिए पूरी तरह से कोशिश करना। ठीक है डॉक्टर। ठीक है सर टीचर सर मैं इस ड्रग्स की बुरी आदत को छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। समझ गए तो? हाँ सर।
यार बस का टाइम हो गया, बस इतनी। अरे रोहन सुन यार, तुझे मेरी बेइज्जती करके शांति नहीं मिली, क्यों आया यहाँ? प्लीज जा यहाँ से। अरे रोहन सुन तो, बड़ी प्रॉब्लम में, अब मदद करोगे क्या तुम? इस दर्द से छुटकारा दे दो, मुझको हेल्प करो रोहन। ए शाहरुख खान, ये रिमिक्स करना बंद कर समझा? तूने जो मेरे साथ किया है तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। रोहन प्लीज दे दे तू मुझको माफी, खिलाऊंगा तुझको टॉफी, अब जो भी तू कहेगा वैसा ही मैं करूंगा, गलती जो मैंने की है पेनल्टी मैं भरूंगा, प्लीज यार माफ कर दे। माफ कर देता हूँ यार, तरस आ रहा है। चिंता ताचिता चिता चिंता ना कर, मैं हूँ इधर, चल चल। अरे यार देख तो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था ना। अरे हाँ टाइम हो गया है, चल चल। हाँ जल्दी चल यार, जल्दी चल। रुक 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 रुक, मेरा काम याद आ गया, तू जा मैं तेरे पीछे। क्या काम यार? अरे तू जा, जब भी कोई काम आता है घोटाला करता है। अरे तू जा, मैं इस बार कोई घोटाला नहीं करूंगा, जा जा जा। अरे यार पेट दर्द है तो अल्ट्रासाउंड लो ना, हर बात पे क्या फोन करना। डॉक्टर अंकल नमस्ते। एक मिनट, क्या हुआ? अंकल मेरे दोस्त का चेकअप करवाना था तो मैं यहाँ आया था, तो आज से शुरू कर। अरे रास्ते में आ रहा था, वो शाश्वत भैया और उनके दोस्त मिल गए, बहुत दिनों बाद मिले, तो मैंने पहले दो दम फिर दो दम और फिर दो दम। अरे यार मैंने बोला था वो लोग गलत लोग है, क्यों उनके साथ जाता है यार तू? नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं जी सकता इसके बिना। यार तू हिम्मत मत हार यार, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, चल यार तू हिम्मत मत हार, डॉक्टर अंकल जरूर कुछ करेंगे यार, मुझे पूरा भरोसा है, चल। अंकल अंकल प्लीज कुछ कीजिए, अंकल प्लीज मेरे दोस्त को बचा लीजिए। इसे देख के लगता है ये तो नशाग्रस्त है, फिर भी अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, पहले तो इसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर सर आपको जो करना है कीजिए, पर मुझे इस दर्द से छुटकारा दे दीजिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, तू आराम से जिएगा यार, चिंता मत कर, चिंता मत कर यार। बेटे तुम इसके दोस्त हो ना? इसके रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ये इसके खून में ड्रग्स पाई गई है। अंकल मेरे दोस्त को बचा लीजिए, अंकल अंकल प्लीज अंकल। बेटे घबराओ मत, इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। तो अंकल मेरे दोस्त ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ दवाइयों और परामर्श से ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। हमारे देश के किशोरों को हो क्या गया है, क्या होगा इस देश का भविष्य? कुसंगति, ज्यादा लाड़ प्यार और तनाव में इन मासूमों का बचपन ही छीन लिया है, हम सबको इसकी सुझाव करनी चाहिए। अरे यार, अरे रोहन कहाँ जा रहे हैं? सुन सुन सुन, क्या हुआ यार? अरे यार तेरे लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी, बता तो सही। अरे यार तू सुन के यकीन नहीं करेगा। बता तो। अरे नहीं तू बता ना, इतना ड्रामा मत कर समझा। अरे यार मेरी ड्रग्स खाने की भूलिया तुमसे छूट गई। सच में? हाँ। अरे सिर्फ 6 महीने में? हाँ। अरे बहुत स्ट्रॉन्ग है यार तू, शाबाश। धातिन नाच धातिन नाच धातिन धातिन नाच। क्या हुआ बच्चों, आज इतने खुश क्यों लग रहे हो? अरे खुशखबरी है सर। अरे सर मेरी ड्रग्स खाने की बुरी आदत मुझसे छूट गई। शाबाश बेटे, मैं जानता ना तुम ये कर दिखाओगे। तो देखा आप लोगों ने, ये थी संकेत की कहानी। सिर्फ संकेत ही नहीं, इसके जैसे बहुत सारे मासूम बच्चे तनाव, ज्यादा लाड़ प्यार और कुसंगति में आकर ड्रग्स अपना लेते हैं। इससे वो सोचते हैं कि वो खुद को आराम पहुंचा सकते हैं, पर अनजाने में वो अपने शरीर को कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं इसका तो उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं। तो आइए आज से, बल्कि इसी पल से हम सब संकल्प लेते हैं कि हम इस दुनिया को नशा मुक्त करेंगे। से नो टू ड्रग्स।